सबको आप ही ने बता दिया, आप दुनिया को बताओ, आप दुनिया को बताओ कि ये जो मोदी जी बोल रहे हैं या कृषि मंत्री बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। और फर्जी संगठन खड़ा करके जो बीजेपी के आदमी है, किसान संगठन बता के इस आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास पूरी तरह से अंदर से खोखले हैं, झूठ का आडंबर खड़ा करते हैं और झूठ में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए हैं। इसलिए बेचारे इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तरस आ रहा है मुझे कृषि मंत्री जी की इस बात पर। अबे किसी एक ढंग से संगठन को आते तभी कुछ बात होती है, नहीं कोई भी। इसका मतलब साफ है, देश की तमाम जनता और देश के तमाम किसान सब एक जगह हैं, एक साथ हैं, एक जुट हैं और सरकार के इस भयानक षड्यंत्र और अत्याचार के खिलाफ एक जुट हैं। और जब तक ये तीनों कानून वापस न होंगे तब तक लगातार लड़ाई। अच्छा, वो कह रहे हैं देश हित के लिए कानून मांग लीजिए, देश हित के लिए कानून को मांग लीजिए। तो आप ये पूछिए ना, जरा भाई ये पूछिए प्रधानमंत्री जी से, प्रभु ये तो बता दो इस कानून की कौन सी धारा जो है देश के हित में है और किसान के हित में है, जरा पढ़ के हमें समझा तो दो। तुम्हारी जो 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है मन की बात का, इसे भी ट्रांसलेशन करके हमें दिखा दो, बता दो। हकीकत ये है, आपने जितनी भी इस कानून के संबंध में प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी होंगी, बातें सुनी होंगी, इधर उधर की बातें करते हैं, कानून बहुत बढ़िया है, देश के लोगों के हित में है, किसान का बड़ा उद्धार हो जाएगा, ये नहीं बताएंगे कानून क्या है। अब मैं तो यही कहता हूँ कि मोदी जी ने पढ़ाने में से अनपढ़ आदमी बेचारे कहाँ से बताएंगे, पढ़ा तो है नहीं कानून। भाई बोलने तो बोलने दो। अगर वो वाकई में, देखिए उनके लिए सबसे बढ़िया बात ये थी, वो बाकायदा अगर देश की जनता को अपने साथ में लाना चाहते थे तो देश की जनता को सच बताते, और सच के लिए सबसे बढ़िया तरीका सरकार तो कर सकते हैं, सरकार के पास सारे संसाधन हैं। इन कानूनों का, जो तीनों कानून केवल 23 पेज में है, सभी भारतीय भाषाओं में जो संविधान की 8वें अनुसूची के अनुसार 22 है, जिनमें प्रधानमंत्री जी की मन की बात का ट्रांसलेशन होता है, प्रसारण होता है, उसमें अनुवाद कराएं। हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, हर घर में, हर यूनिवर्सिटी में, हर बार एसोसिएशन में, हर कोर्ट में इसको पहुंचाएं। ये कानून है और फिर ओपिनियन को लोगों का लेना बताना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं कर रहे हैं। अगर इतना ही बढ़िया कानून था तो प्रधानमंत्री को और मोदी सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए थी, किसान संगठनों से बात करनी चाहिए थी। अगर पार्लियामेंट में आप लाए तो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको ये बिल भेज लेते। आपने ना तो किसानों से बात की, ना किसान संगठनों से बात की, ना देश की जनता के सामने वो मसौदा रखा, ना आपने जो संसद है उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी जो उसकी जांच पड़ताल करती है, सारी कमियों को दूर करती है, ना आपने उसको भेजा। आपने चोरी से जिस समय देश को आपने बंद कर रखा था पिछले दरवाजे से ले आए, और फिर आपने गुंडागर्दी से राज्यसभा में ये कानून पास करवा दिया आपने। और इससे भी बुरा कुछ होगा? अच्छा, आप यही दिखाना चाहते हैं कि जैसा वो हुआ अब हो सकता, क्योंकि मोदी जी ट्रंप के दोस्त है ना, वही ट्रंप जिसने कल इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में पहला ऐसा राष्ट्रपति है जिसने अपनी ही संसद पर हमला करने के लिए अपने जो भक्त है उनको भड़काया। ये उनके मित्र है, ये उनके मित्र है। अच्छा सर, 11 तारीख को सुनवाई है, कहा जा रहा है कि 35,000 करोड़ का घाटा हो गया, जो 3500 करोड़ का किसान जो धरने बैठे हैं। मोदी जी से जरा हिसाब ले लो, लॉकडाउन में, लॉकडाउन में इस देश को कितने लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, पहले उसे देश की जनता के सामने रखो। 35 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया, किसानों के साथ साथ में जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को आपने तबाह कर दिया। किसानों से पहले उनको तबाह करने वाला कानून लाए, तो पहले उसका हिसाब दिखाओ ना, किस तरह से GDP -24 में चली गई, और अब जो GDP है आपके आंकड़ों से -7.7 जा रही है, और वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF उसके हिसाब से -10% से भी ज्यादा जा रही है। इसका हिसाब तो प्रभु फिर बताएंगे आपको। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया सर, इस पूरे मसले को क्या सरकार कहीं भी डाल दे, वो सरकार मैं को रोक सकता हूँ उसे। और वैसे भी सरकार जो काम नहीं करती है, जिसमें फंस जाती है, उसे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही कराने का ये काम करती है, तो डाल दिया उसने, डाले वो हमारा काम नहीं, उनका काम। अच्छा, राजस्थान के BJP विधायक है, उनका बयान आया है कि किसान आंदोलन करके बर्ड फ्लू फैला रहा है। अच्छा, क्या बात है।
बोलना तो भाई, ये देखिए ऐसा है, ये ऐसे ही है जो बताते हैं ना कि हजारों साल पहले इस देश में प्लास्टिक सर्जरी होती थी और जो हाथी का सिर है वो बच्चे के सिर पर लगा दिया और गणेश जी बन गए। तो भैया ये कुछ भी कर सके, वर्ल्ड फ्लू कहीं भी फैल सके और ये नाली से निकलने वाली गैस से जो है चूल्हा जला सके हैं, ये कुछ भी कर सके भाई। बीजेपी वालों का कोई वो नहीं है, जो करते हैं वही कर। आतंकवाद सबका प्रयोग किया है कि लोग भेष बदल कर आ रहे हैं, आतंकवाद सबका प्रयोग किया है। अगर लोग भेष बदल कर आ रहे हैं और आतंकवादी हैं तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के जो अन्य संगठन है, जो आरएसएस के संगठन है, ये उन्हीं के लोग हैं जो इस आंदोलन को बर्बाद करना चाहते हैं, इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। मेरा सवाल है, अभी एक रजत शर्मा का आज सुबह सुबह ट्वीट आया, वो बोल रहे हैं रजत शर्मा का, वो बोल रहे हैं कि किसान चाहते क्या है, ना तो सरकार की बात मान रहे हैं, ना तो सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हैं। उस गुलाम से ये पूछो, पहले गुलामी छोड़ फिर पूछे ये सवाल, अभी तो गुलामी में डूबा हुआ है। रामदेव से पूछो, लाला रामदेव कानून पढ़ा है तो 7 साल पहले हल्ला मचावे था कि बाहर से विदेशी काला धन लाना है, कहाँ गया? पहले तो उसका हिसाब है। और अनपढ़ आदमी तूने जो है सांस खींच के और ये भगवा चोला पहन के देश को मूर्ख बना लिया और आज भी धर्म की आड़ में धंधा कर रहा है, पहले उसे छोड़। तेरे उसको भी नहीं पता है, प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है इस देश में जो तुम कानून लेके आए हो वो देश को तबाह और बर्बाद करने वाला है, किसान इस चीज को जानता है। तुम कितना भी भरमाने की कोशिश करो, कितना भी बरगलाने की कोशिश करो, किसान न तो बरगला में आएगा, न ही भरने आएगा और न ही अपनी लड़ाई में 1 मिलीमीटर भी। अच्छा लास्ट सवाल सर, अभी भी रह गया एक सवाल कल जो सरकार की तो साफ उनके मनसा है कि पीछे नहीं हटने वाले, लगातार तारीख बढ़ा रहे हैं, क्या होगा अब, क्या होगा फैसला सड़कों पर? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। आपने जो हमारे नेता हैं उनकी बात सुनी आप, उन्होंने कहा था जब सरकार ने कृषि मंत्री ने कहा कि आप कोर्ट चले जाओ तो हमारे नेताओं ने बहुत स्पष्ट कर दिया हम कोर्ट नहीं जाएंगे। दूसरा जब